धर्मनिष्ठ ऋषिगण, अब आप दुष्ट असुरों से कदापि भयभीत न हो। जब जब ये दुष्ट आप पर प्रहार करेंगे, तब तब मैं आपकी रक्षा करूंगी। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। अब तो आपने देवी कौशिकी का महालय देख ही लिया। देवर्षि, देवी के दर्शन करके हम धन्य हुए। अब हम उनसे निवेदन करेंगे कि शुम्भ निशुम्भ का संहार करके शीघ्र ही हमें हमारे स्वर्ग की प्राप्ति करवाएं। नारायण नारायण, स्वर्ग की प्राप्ति इतनी सरलता से नहीं होती देवराज, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की जय। 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 स्वर्ग के सुविख्यात अप्सराओं, नृत्य कर हमारा मनोरंजन करो। हम अप्सराओं के मुख पर विषाद की कुरूपता नहीं, प्रसन्नता का सौंदर्य देखना चाहते हैं। भैया, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अप्सराएं कभी भी हमारे सामने प्रसन्नता पूर्वक सुंदर नृत्य नहीं करेंगी। देवराज और देवगण का वियोग इन्हें सदा सताता रहता है। इससे तो अच्छा है कि हम इन्हें स्वर्ग से निकाल कर बाहर करें। भैया निशुम्भ, यदि हमने ऐसा किया तो हमारा मनोरंजन कौन करेगा? हम स्वर्ग का सुख कैसे भोगेंगे? स्वर्ग विजयी असुराधिपति शुम्भ निशुम्भ की जय हो। जय हो दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ की। महासुर, तुम्हारी सेना के अन्य सैनिक कहाँ हैं? अब मैं क्या बताऊं दैत्यराज? जो सत्य है वही बताओ। सत्य तो यह है दैत्यराज कि हमारे सैनिक उस परम सुंदरी पर निछावर हो गए। सुंदरी? कौन सुंदरी? और वो सुंदरी पर निछावर कैसे हो गए? ये कार्य तो हम करते हैं। हाँ, कौन है वो सुंदरी शीघ्र हमें बताओ, ताकि हम भी शीघ्रता से उस पर न्योछावर हो सके। नहीं नहीं दैत्यराज, आप ऐसा ना करें। महासुर, हमें जो करना है हम कर ही लेंगे। तुम केवल इतना बताओ कि वो सुंदरी कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहती है। दैत्यराज, मैं आपके तीनों प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? मैं जानता ही नहीं कि वो सुंदरी कौन है। हाँ, आपके शेष दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ दैत्यराज। शीघ्र कहते क्यों नहीं जो कहना है। दैत्यराज, मैं सैनिकों के साथ देवताओं को खोजता सूंघता जा रहा था कि एक आश्रम में ऋषि मुनि एकत्र होकर देवी कौशिकी से हम असुरों का अंत करने की प्रार्थना कर रहे थे, उसके जय जयकार बोल रहे थे। ये सब देख सुनकर हमें सहन न हुआ और हमने ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। वही देवी कौशिकी प्रकट हो गई और हमारे सारे सैनिकों का वध कर डाला। क्या? उस स्त्री ने हमारे असुर सैनिकों का वध कर दिया? उसे केवल स्त्री न कहें दैत्यराज, वह तो 16 श्रृंगार से पूर्ण परम सुंदरी थी। ऐसी सौंदर्यमय रूपवती और लावण्यमय रूपसी,
विधाता ने भी इससे पूर्व ऐसी सुंदरी कभी नहीं बनाई होगी और भविष्य में बनाएंगे भी नहीं। पर तुमने तो अभी अभी कहा कि सैनिक उस सुंदरी पर न्योछावर हो गए। वही हुआ सुरराज, वही हुआ। हमारे सैनिक प्रहार करना भूल कर उस सुंदरी का सौंदर्य देखने लगे, किंतु उसने दोनों हाथों से खड़क चलाकर रुक कर स्पान करते हमारे सैनिकों को घास और पत्तों की भांति काट ही डाला। यदि हमारे सैनिक उस सुंदरी के रूप का रसपान न करते तो आज मारे भी न जाते। इसीलिए तो कहता हूँ कि वे उस रूपसी के रूप पर नेछावर हो गए। पर आप उस सुंदरी पर नेछावर होने की भूल न करना, नहीं तो हमारा क्या होगा दैत्यराज? प्रलाप बंद करो महासुर। कभी कहते हो वो परम सुंदरी है, कभी कहते हो उसके दोनों हाथों में खड़क थे। हाँ सुरराज, एक बार तो ये महासुर भी मुंह में पड़कर सम्मोहित हो गया था उसका रूप देखकर। किंतु मैंने उसके दोनों हाथों में खड़क देखा तो मैं वृक्ष की ओट में हो गया। वृक्ष की ओट में ना हो जाता तो आप तक उस सुंदरी की सूचना लेकर भी नहीं आ पाता दैत्यराज। बस बस, बहुत हो चुका तुम्हारा ये रोना धोना। हमारे जो सैनिक मारे गए उनका शोक करना व्यर्थ है। महासुर, तुम हमें उस सुंदरी के विषय में बताओ। क्या बताऊं उस सुंदरी, उस मोहिनी और रूपसी के विषय में? यदि सहस्त्र अप्सराओं को, नहीं नहीं नहीं, सहस्त्र नहीं, हाँ एक लक्ष, नहीं लक्ष भी नहीं, कोटि अप्सराओं के सौंदर्य को निचोड़ने के बाद जो सौंदर्य बनेगा वो भी देवी कौशिकी के सौंदर्य से कम ही होगा। और दैत्यराज, उसके नेत्र, कटार नुमा नेत्र, ऐसा लगता था देखकर कि विधाता ने वह देखने के लिए नहीं सम्मोहन करने के लिए बनाए हैं। और विधाता को ऐसे नेत्र बनाने में युग के युग लग गए होंगे। ऐसे सुंदर और आकर्षक नेत्र थे उस मां सुंदरी कौशिकी के। आगे कहो महासुर, आगे कहो। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं दैत्यराज, और कहने को बहुत कुछ है भी, किंतु शब्द ही नहीं मिले। जितने मिले हैं उन्हीं शब्दों के आधार पर एक रहस्यमय बात बता रहा हूं उस सुंदरी के बारे में। उसकी नासिका देखकर शुक्राज भी लग जा जाए, ऐसी गोल घुमावदार नासिका है। ऐसा लगता है जैसे समतल भूमि में कोई पर्वत शिखर उठाए खड़ा है। तुम रुक क्यों जाते हो बार बार महासुर? शब्दों की कमी के कारण दैत्यराज, शब्दों की कमी के कारण। मेरा मन तो रुकना ही नहीं चाहता, किंतु मेरी वाणी रुक जाती है शब्दों की कमी के कारण। हाँ तो दैत्यराज, मैं कह रहा था कि उस सुंदर कौशिकी का ललाट ऐसा दमकता था जैसे काली घटा के नीचे कोई समतल भूखंड दमकता हो। उसकी केश राशि देखकर अमावस्या का भ्रम होता था। उसकी दंत पंक्ति देखकर तो ऐसा लगता था जैसे मेघों के बीच में दामिनी दमकती हो। उसकी बाहें जैसे कमल नाल, वाह। उसकी चाल जैसे हंस की चाल दैत्यराज। आगे आगे कहो महासुर। तुम तो कह रहे थे शब्द है ही नहीं तुम्हारे पास, तुमने तो शब्दों से उस सुंदरी का चित्र ही बना डाला महासुर। ये सब तो आपकी कृपा से संभव हुआ दैत्यराज। मेरे शब्दों में आपने उस सुंदरी का चित्र देख लिया, मेरा परिश्रम सफल हो गया दैत्यराज। दैत्यराज शक्ति विजय भव, दैत्य शक्ति विजय भव। इस जगत में विद्यमान शक्तिशाली दैत्यों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। दैत्य जाति के उत्थान के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए हे शक्तिशाली दैत्यों,
पृथ्वी पर आ जाओ। शुक्राचार्य तुम्हें पुकारता है, पृथ्वी पर आ जाओ। क्या मेरी सिद्धियां प्रभावहीन हो गई? क्या नए असुरों की उत्पत्ति हेतु की गई मेरी तपस्या सर्वथा व्यर्थ हो गई? इन आहुतियों का कोई प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता? नित्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल से पृथ्वी तक आने में समय तो लगता ही है। आपका आवाज हम तक पहुंचा और हम पाताल से उठकर आपके यज्ञ कुंड से पृथ्वी पर आ गए। अपनी निर्दोषता बताने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना। तेरा नाम चंड, तेरे नाम की भयंकरता से प्राणियों के प्राण सूख जाते हैं। और मैं मुंड, मेरी हिलती हुई मुंडी देखकर प्राणियों के शरीर में रक्त संचार रुक जाता है। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं सुग्रीव भी आपके आवाहन पर प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारी विशेषता क्या है गुरुवर? बुद्धिमान दैत्य होने के नाते मैं शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक प्रयोग करता हूँ। कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना होगा। शक्तिमान और बुद्धिमान दैत्यों के प्रकट होने से मेरा आवाज सफल है, किंतु मुझे शक्तिमान और वरदानी दैत्य शुम्भ निशुम्भ के भविष्य की चिंता है। क्रोध, भावावेश और उत्तेजना में वे कभी भी कोई भी अनुचित कार्य कर सकते हैं। तुम सभी का यह दायित्व है कि तुम स्वर्ग जाकर उन्हें उचित परामर्श देकर उनकी सहायता करो। चंड, मुंड, तुम दोनों को अपनी युक्ति और शक्ति का प्रयोग करना है। दैत्य गुरु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। शुंभ और निशुंभ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और सुग्रीव, तुम्हें अपनी बुद्धि। दैत्य गुरु, अब आप उनकी चिंता से मुक्त हो जाएं। हम चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम दैत्य गुरु, दैत्यों की रक्षा और उत्थान का दायित्व हमारा है। जब तक दायित्व है तब तक चिंता है, और चिंता ये है कि शुम्भ निशुम्भ की आसुरी वृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उनके मन की वासना उन्हें मां शक्ति के पास खींच ले जाएगी। उन्हें मां शक्ति के पास खींच ले।